साहब खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी, और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया। चंचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा, जैसे चंचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो आर्थिक सिलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। भाई देखो गलती हो, मेरे एक दोस्त था भाई जंगल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। तो भाई अब देखो पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मान रहा हूं 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया है। और हद देखो भाई, पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए, हमारे गप्पू की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पप्पू की बहुत, ठीक। पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा, पप्पू जाके विदेशों में लेक्चर दे रहा है और गप्पू यहाँ मन की बात कर रहा है, ठीक है। हद देखो, विडंबना देखो। और दूसरी शक्ति बेचने वाले के नाम पर वोट मांगना बुरा काम है। वो व्यक्ति जिसने कभी बेची नहीं, बनाने नहीं आती, चाय देखी नहीं, वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति, वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है हमें भी और चाय वालों को। अभी जवान भी दिखाओ, अगर औकात है मोदी को तो जवान भी दिखाओ, दिखाओ जवान मूवी दिखाओ, नेता को कैसा चप्पल मारा है इस मूवी में। इनसे पूछना कि इन्होंने देखी है, अंध भक्तों के लिए बेकार है ना, बाइकॉट वालों के लिए। एक सेकंड बेकार नहीं है, इनसे पूछना कि इन्होंने देखी है। तो आपने देखी है? मैं देखता ही नहीं हूँ। पता नहीं, गाल बजाने यहाँ चले आए, अपने का पता नहीं, अपने का पता। मैंने न्यूज की लाइमलाइट देखो, किसी भी बंदे को हीरो बनाने के लिए चाहिए लाइट कैमरा एक्शन, और लाइट कैमरा एक्शन भारत का मीडिया है जो भरपूर मोदी जी को दिखा रहा है और मोदी जी को हीरो बना रहा है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी को बदलना है, राहुल गांधी को लाना है या फिर कोई और, या मोदी जी ठीक है? ये जो इन्होंने INDIA.ND.D.I. गठबंधन जो बनाया था, सीधा इंडिया बोलिए ना, डॉट लगाने की क्या जरूरत है, डॉट लगाना जरूरी क्यों? हम नहीं लगा रहे डॉट, उनके नाम में ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। आप जिनके नाम में ऑलरेडी डॉट लगा हुआ है, तो उन डॉट में कितने रिक्त स्थान होंगे वो तो तुम्हें जान सकते हो, पहली बात। दूसरी, ये कम से कम अपना प्रधानमंत्री तो घोषित करें, ये 26 पार्टी इकट्ठी हो गई, 26 पार्टियों में 26 नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदार हैं। अब देश में ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक साल तू बन जाए, एक साल मैं बन जाऊँ, एक साल वो। लेकिन उसने तो कोई घोषणा किया नहीं ऐसा, करना चाहिए ना। आप बारात लेकर निकल रहे हो, दूल्हे का पता ही नहीं है कि दूल्हा कौन है, तो फिर क्या होगा? बारात भी जा रही है, दूल्हे का पता नहीं, तो कम से कम दूल्हे का तो पता होना चाहिए कि दूल्हा किसको बना रहे हो आप। एनडीए वालों ने तो मोदी को बना रखा है कि हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, पूरी बारात उनके साथ में, 38 पार्टियां हैं वो उनके साथ में हैं। तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी 26 पार्टियां हैं, तो कम से कम तुम्हारा कोई दूल्हा कौन है? राहुल गांधी है, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, या उद्धव ठाकरे हैं, कोई तो है कम से कम सामने तो लेकर। 2017 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था बता? बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर था पहले से क्लियर था कि नहीं, ऐसा कोई पोस्टर नहीं, पोस्टर में नहीं था, लेकिन सभी को पता था क्लियर था पहले से। लेकिन बीजेपी ने शो ऑफ तो नहीं किया था किसी को, क्या बीजेपी ने किसी को शो तो नहीं? बीजेपी की तो नीति का भी शो ऑफ होती नहीं है, बीजेपी की नीति लास्ट टाइम पे तो वही उन्होंने अपना लिया है। अब नहीं, उनको पता ही नहीं है उनके पास। अभी देखो क्लियर बता रहा हूँ, आवाज बात नहीं करने आया हूँ, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, एक एक चीज़ की जानकारी रखता हूँ। जब 1971 में देश में जब पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 1974 में इलेक्शन होते हैं, चिल्ला चिल्ला करके गले फाड़ फाड़ के चिल्लाया गया था कि हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े करे हैं, किसके लिए? तब किसकी सरकार थी? जवाब है, इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछो कितनी है, ये पैदा पर तुम्हारे पता ही नहीं है। देश की आज देश एक ना गदर टू पार्लियामेंट में दिखाया, देश आजाद हो गया ना। अब सनी देओल ने आजाद कर दिया देश को, ये कहां से पार्लियामेंट में गदर टू दिखाया ना, कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? सनी देओल ने आजाद करा दिया ना, अब पहले कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? हां कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? अभी जवान भी दिखाओ, अगर औकात है मोदी को तो जवान भी दिखाओ, दिखाओ जवान मूवी दिखाओ, नेता को कैसा चप्पल मारा है इस मूवी में। इनसे पूछना कि इन्होंने देखी है? अंध भक्तों के लिए बेकार है ना, बाइकॉट वालों के लिए। एक सेकंड बेकार नहीं है, इनसे पूछना कि इन्होंने देखी है? तो आपने देखी है? मैं देखता ही नहीं हूँ। पता नहीं, गाल बजाने यहाँ चले आए, अपने का पता नहीं, अपने का पता। मैंने किसी का योगी किसी का फिल्म और योगी से हाथ भी मिलाया बुलंद सर में। सही बात है, फालतू बैग पे बात नहीं करता। जाइए आप मूवी देखिए, जाइए आप मूवी देखिए। एक सेकंड, एक फिल्म आई थी, अरे सुन ले भाई, फेंक पे बात करता हूँ, एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, तो केजरीवाल ने पार्लियामेंट में अपनी दिल्ली के पार्लियामेंट में क्या बोला था? ये बीजेपी वाले पागल हो गए हैं, ये एक फिल्म का प्रचार कर रहे, भाई तुम इतने बड़े बड़े लोग हो, इतनी फिल्म का एडवर्टाइज क्यों कर रहे हो? आज तू जवान फिल्म का प्रमोशन क्यों कर रहा है कि सभी लोगों को जवान मूवी देखनी चाहिए? मूवी आपने देखी है? उस गठबंधन का नेता, मैंने देखा, टाइम नहीं, आप देखिए पहले, उस पर उसके बाद देख लूंगा, उसका कोई फर्क नहीं है। बीजेपी वालों ने अपने जो ऑफिसर, उनका जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है, और जो उनका ट्विटर है, जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी वहां से खुद बोला है कि आप जवान मूवी देख सकते हैं। वो बोला है, बोला है ना, वो भी तो बीजेपी पार्टी ने बोला है ना, उससे पार्टी से लेना देना नहीं है। चप्पल पड़ रहा है पिक्चर के द्वारा, तो क्या बोलेगा भाई वो पार्टी? आपको मूवी चलवाया क्यों? पार्लियामेंट क्या है,
पार्लियामेंट सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल है पार्लियामेंट, क्यों दिखाया गया? अभी हर मूवी रिलीज हो रही है, दिखाओ पार्लियामेंट में, वहाँ पहले आप जाके बहस मत करो। इसको यही नहीं पता कि मूवी कहाँ दिखाई जाती है, पार्लियामेंट में ये फिल्म दिखाने के लिए बोल रहे हैं। ये चार किताब अगर ढंग से पढ़ाई करते तो ये आज बोल पाते, ठीक है? पहली चीज, एक सेकंड भाई, अरे भाई निकलो निकलो यहाँ से, क्योंकि जब अगला आएगा तभी पिछले का रिकॉर्ड खुलेगा। मोदी जी का पीएम केयर फंड घोटाला आज तक सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बड़ा काम हुआ है, ठीक। नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। जीएसटी जो कि हमारे ऊपर एक मतलब थोपा गया है और हमारी जेब काट कर हमको हमी को सेलिब्रेट कराया गया, ठीक है, ये भी एक घोटाला है। मोदी जी ने इतने घोटाले किए, इतना करप्शन किया, फाइल खुलेगी कब? जब जाएंगे तब ना, अब हटाओगे जब ही तो खुलेगा। अगले ने कारनामा क्या किया है, पूरी मीडिया मैनेज करके डाल दी, तमाम मीडिया पे मोदी मोदी चल रहा है, लोगों के दिमाग ब्रेन वॉश कर दिए, मोदी मोदी कह रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बेसिक मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर वोट होना चाहिए, ठीक, इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, लोकल नेता को देखकर वोट होना चाहिए। लेकिन आदमी मोदी मोदी कहकर और वोट कर रहा है, क्या होगा मोदी मोदी से? अगर मोदी मोदी कहने से या मोदी को जिताने से तुम्हारे घर के नाला ठीक हो, तुम्हारी गली ठीक हो, तुम्हारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, तुम्हारे यहाँ सड़क ठीक हो, बिजली ठीक हो, बिजली सस्ती हो, बिल्कुल मोदी मोदी को। लेकिन मोदी कुछ नहीं करेगा भाई साहब, करेगा लोकल नेता। लोकल नेता को चुनो, लोकल नेता कौन है? बार बार कह रहा हूँ, अवेयर हो, जागो। डंका विदेशों में भाई साहब थूथू हो रही है, डंका तो बिल्कुल बज रहा है मगर आवाज़ थूथू की आ रही है। विदेश की महिला सवाल पूछती है, इंडिया से उसे ट्रोल किया जाता है, ठीक है। और हंगर इंडेक्स में इंडिया सबसे निचले पायदान पे, ठीक, सबसे निचले, मतलब कि सबसे ज़्यादा भूखे इंडिया में, बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा, ठीक, और करप्शन में सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। तुम बात कर रहे हो कि विदेशों में डंका बज रहा है, न्यूज़ की लाइमलाइट, देखो किसी भी बंदे को हीरो बनाने के लिए चाहिए लाइट कैमरा एक्शन, और लाइट कैमरा एक्शन भारत का मीडिया है जो भरपूर मोदी जी को दिखा रहा है और मोदी जी को हीरो बना रहा है, ठीक है। बढ़िया काम कुछ नहीं हुआ जी, सड़क बनाना सरकार का बेसिक काम होता है, अगर उसने कर दिया तो तीर नहीं मारा, ठीक है, गड्ढे अभी भी हैं, जरा पीछे जाके देखो, ठीक है। नेशनल हाईवे नितिन गडकरी ने बनाया है, और नितिन गडकरी एक अच्छा नेता है, वो बीजेपी में हो या बीजेपी में ना हो वो अच्छा नेता है, ठीक है। मोदी जी की सारी उपलब्धि को इन्होंने गिनवा दिया, मैं भी बता रहा हूँ, सुन लीजिए, सेल टैक्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, और क्या बोलते हैं वैट, सीएसटी, और सॉरी सीएसटी और एक और टैक्स था जो सेल्स पे लगता था, दुनिया भर के टैक्स लगते थे, और आज उन टैक्स को हटा करके उसमें कैलकुलेशन करने में भी जो अकाउंट प्रूफ आए के लोग थे, इसमें कलेक्शन रेवेन्यू बहुत कम था, आज वहाँ से टैक्स हटा करके एक टैक्स फिक्स कर दिया कि तुम्हारे इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा, इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा, क्या दिक्कत आ गई भाई? अच्छा, जब जीएसटी लागू हुआ था तब कहा था एक देश एक टैक्स, ठीक है, यानी अगर पानी की बोतल दिल्ली में 10 रुपए की है तो बिहार में भी 10 रुपए की होनी चाहिए। लेकिन फिर इसको इसमें पेट्रोल को इससे बाहर क्यों रखा गया भाई? पेट्रोल पे भी 18% ही लगना चाहिए, क्यों लगा रहे हो 54%, 68%? साहब खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी, और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया। चंचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा, जैसे चंचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा, वो आरती सिलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। भाई देखो गलती होस्ट मेरे एक दोस्त था भाई जंगल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। तो भाई अब देखो, पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मानो 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था, ये भी देखो डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया, ठीक है, और हद देखो भाई, पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए, हमारे गप्पू की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पप्पू की बहुत, ठीक, पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा, पप्पू जाके विदेशों में लेक्चर दे रहा है और गप्पू यहाँ मन की बात कर रहा है, ठीक है, हद देखो, विडंबना देखो। और दूसरी शर्म की बात, देश में मनमोहन सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा, एक प्रधानी एक विधायक का नहीं लड़ा, अपनी एजुकेशन के दम पर, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी इंटेलेक्चुअली के दम पर देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन देश ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई पढ़ भी लिया जाए ताकि देश के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जैसे चाय वाला बना हर बंदा सोचता है कि हम भी चाय बेचने लगे प्रधानमंत्री बन जाए। शर्म देखो भाई, ये कम से कम लाखों लोगों की रोजगारी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, पहली बात, चाय बेचना बुरा काम है, इनसे पूछना जरा, नहीं बुरा काम है, बात का जवाब इन्होंने, चाय बेचने वाले के नाम पर वोट मांगना बुरा काम है, वो व्यक्ति जिसने कभी बेची नहीं, बनानी नहीं आती, चाय देखी नहीं, वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति, वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है हमें भी और चाय वालों को भी। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिविटी पॉइंट ही देख सकते हैं, इनको सरकार के काम दिखाई नहीं देंगे। अब मैं सरकार के 10 काम गिनाता हूँ, अगर कोई झूठा साबित कर दे तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। पहला काम जनधन खाते खोले गए, ठीक है, जनधन खाते खोले गए, लगभग 10-15 करोड़ खाते देश के अंदर खोले, और ज्यादा खोले उसका मैं कह नहीं सकता। सेकंड काम,
हर घर के अंदर शौचालय बनवाए गए। गांव की औरतें, गांव की महिलाएं जब गांव में जाकर के देखो, शाम के और सुबह के टाइम जंगल जाएगा। ये बहुत अच्छा ना, सारे काम ये गांव में किए गए। कम से कम 10-15 करोड़ ये शौचालय बने। तीसरा काम, उज्ज्वला गैस के तहत लोगों को कनेक्शन भी दिया गया। माना कि गैस महंगी हो गई क्योंकि जब खपत ज्यादा बढ़ी, अब जब कहते ना एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ती है उसके रेट ऑटोमेटिक। सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि आपने गरीबों को सिलेंडर दे दिया जिसकी औकात ही नहीं बढ़ाने की। अब ये कोई बात थोड़ी ना है। अब सरकार, अब हर काम मोदी तो नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा वो तुम्हें आगे बोलिए। तीन काम हो गए। चौथे काम, गांव के अंदर पक्की सड़कें बनी है। आप एक एक गांव में जाकर के देख लिए आज। कहां आप, कहां की बात बोल रहे हैं? मैं अपने पर्सनल काम बता रहा हूं। पर्सनल काम बताया ना आपने, पक्की सड़कें बनी है। कहां, पूरे देश की बात कर रहा है ना? पूरे देश की बात कर रहा हूं, हर गांव में। अरे भाई, मैं खुद अपने गांव की बात बता रहा हूं, आज तक पक्की सड़क नहीं है। पक्की सड़क नहीं है, नहीं है मेरे गांव में। धान भ्रष्ट है। फिर हमारा जब लाइट 2014 से पहले लाइट की स्थिति क्या थी? 7 दिन तो लाइट आती थी रात में 6 घंटे, और 7 दिन लाइट आती थी दिन में 6 घंटे। आज 18 घंटे लाइट गाँव में। लाइट का काम करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है या सेंट्रल का? बता रहा हूँ क्यों। ये मुझे बताइए, आपने स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में गिनवाया? क्या बोला? नेगेटिविटी। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में ध्यान नहीं देता, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम बता रहा हूँ। सेंट्रल, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है स्टेट गवर्नमेंट का काम है। 70 गांव ऐसे थे जिनमें लाइट ना थी, जबकि दिल्ली देश की राजधानी थी। 2014 के आने के बाद में लाइट। तो ये किसका काम है, मोदी जी का है केजरीवाल का? ये मोदी का है, मोदी का है। अच्छा एक काम बताओ, एक काम करो, मेरे गांव में लाइट नहीं है, मान लिया मेरे गांव में लाइट नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे डाले, मुख्यमंत्री पे या प्रधानमंत्री पे? आपने कभी कंप्लेंट करी? आपने कभी? पहली बात तो आजकल मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा काम ऐसा होगा जिसमें लाइट ना होगी। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा काम बचा होगा जिसमें लाइट ना होगी आज के टाइम। लाइट मैं बोल रहा हूँ, किसी गाँव में लाइट नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री? वहाँ के प्रशासन, वहाँ का जो प्रशासन है मुख्यमंत्री। अभी क्या है, यूपी की जो आंतरिक सुरक्षा है ना, यूपी की जो सुरक्षा है वो भी काफी हद तक मजबूत हुई है पहले से। और बताइए, जगह जगह जाकर देख लीजिए दंगे फसाद होते हैं यूपी में। आप एक दंगे फसाद बता दो, आप आगे जो काम गिनवा रहे थे, काम तो और कितने काम गिनवाऊं बताओ, और कितने काम गिनवाऊं? आपने आंतरिक सुरक्षा की बात की है, सीमा अधर कैसे चली आई एक औरत घुस के? अब ये तो अब इसको प्यार कहते ना, प्यार में तो सात समुद्र पार। लेकिन अनलीगल तरीके से आई, जब सीमा अधर आ सकती है तो कोई भी देश में घुस सकता है। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। इस बात को लेकर के जो गृह मंत्रालय, उसको सोचना चाहिए कि हमारी सीमा कितनी मजबूत है। ठीक है, मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये गलत बात। देश के सीमा अधर ने बताया कि देश का बॉर्डर कितना असुरक्षित है। बात करो, मैं चलता हूँ। रुकिए आप, रुकिए भाई।